सत श्रीकाल जी सारे नू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक 4 BHK का बिल्डर फ्लोर रोहिणी सेक्टर 26 में, जो कि DDA के 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ है। पार्क फेसिंग ये बिल्डर फ्लोर है, बहुत ही बढ़िया स्पेशियस रूम इसके अंदर निकले हुए हैं। तो आज इसी बिल्डर फ्लोर को हम देखेंगे विद लिफ्ट और पार्किंग ये हमारे को मिलेगा, और इसके अंदर आपको AC की फिटिंग्स, AC लगे हुए मिलेंगे और एक सोफ़ा, डाइनिंग टेबल और सभी रूम में बेड्स बने हुए मिलेंगे और अलमीराज भी बनी हुई मिलेंगी। तो ये सभी जो सामान आप इस बिल्डर फ्लोर में देखेंगे आपको एज इट इज़ आपको साथ में मिलेगा, और ब्रांड न्यू सामान ये आपको इस बिल्डर फ्लोर के साथ में लगा हुआ मिलेगा। तो आज इसी बिल्डर फ्लोर पर हम विजिट करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं 4 BHK का बिल्डर फ्लोर, DDA के 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ है, पार्क फेसिंग ये बिल्डर फ्लोर रहेगा। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 26 के द्वारकाधीश की पॉकेट्स के एंट्रेंस पे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है। तो आज हम देखेंगे 250 गज का बिल्डर फ्लोर। इस पॉकेट में सिर्फ 250 और 400 गज की यूनिट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको बिल्डर फ्लोर्स भी मिल जाएंगे और पूरे प्लॉट्स भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम पॉकेट के सामने वाली रोड पर देखें तो सामने वाली जो रोड कनेक्ट होती है, अगर हम पॉकेट से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट हैंड पर जाते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस रोड पर जाते हैं तो हम 11 सेक्टर और सेक्टर 13 सचदेवा रोड पर चले जाएंगे। और अगर हम अपोजिट राइट साइड पर जाते हैं तो हम शाबा डेयरी सेंट जेवियर स्कूल पर चले जाएंगे। चलिए एक बार सोसाइटी के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये बना हुआ। सो फ्रेंड्स, ये रहेगी हमारी बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन। बहुत ही अच्छा एलिवेशन का डिज़ाइन इस बिल्डिंग में दे रखा है। और ये रहेगा हमारा पार्किंग स्पेस। काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस हमारे को इस बिल्डिंग में मिल जाएगा। और इधर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये मीटर्स लगे हुए हैं सबके सेपरेट। और ये पूरा रहेगा हमारा पार्किंग स्पेस। ये सामने जो रूम्स बने हुए हैं, ये आप अपना सर्वेंट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं और अपना स्टोर रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। सबको एक एक रूम एक एक पर फ्लोर के हिसाब से मिल जाएगा। और ये रहेगा हमारा लिफ्ट और स्टेयर्स एरिया। ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस निकली हुई है स्टेयर्स के अंदर। और ये रहेगी हमारी लिफ्ट, जॉनसन की इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा 4 BHK का बिल्डर फ्लोर विद लिफ्ट पार्किंग, DDA के 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ है। लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 26। ये अभी हम लिविंग एरिया के अंदर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पेस निकली हुई है लिविंग एरिया के रूम के अंदर। और ये आप डाउन सीलिंग का डिज़ाइन और लाइटिंग देख सकते हैं। ये जो आप लाइट्स और फैंस की फिटिंग देख रहे हैं, आपको एज इट इज़ ही मिलेगी इस रूम में। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग हो रखी है सारे फ्लोर पर। और ये लगी हुई है वीडियो डोर बेल। ये आप डाउन सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये लाइट्स आपको एज इट इज़ साथ में ही मिलेंगी बिल्डर फ्लोर में, फिटिंग के साथ मिलेंगी। ये सामने हमारा LCD पैनल बना हुआ है लिविंग रूम में। और ये आप सारा सामान देख सकते हैं, ये डाइनिंग टेबल और ये सोफ़ा कवर्ड कर रखा है, ये आपको एज इट इज़ साथ में मिलेगा। और सेंटर टेबल भी मिलेगी लिविंग रूम के लिए। ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम में हमारे को वुडन अलमीरा, वुडन LCD पैनल और एक AC और एक आपको डबल बेड बना हुआ मिलेगा, और एक वर्किंग स्टेशन मिलेगा जिसमें आप बैठ के काम कर सकते हैं। टेबल बना हुआ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं डबल बेड। AC की भी फिटिंग हो रखी है, मिस्टुबिशी का इसमें AC लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा LCD पैनल और ये है हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट बाथरूम में हमारे को गीजर की फिटिंग के साथ मिलेगा। और बिल्कुल इस टॉयलेट बाथरूम के साथ में हमारी वॉशिंग एरिया बना हुआ है, जिससे वेंटिलेशन अच्छी रहे रूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये रहेगा सेकंड बेडरूम, वुडन फ्लोरिंग हो रखी है इसके अंदर, वुडन अलमीरा, वुडन LCD पैनल और बहुत ही शानदार डिज़ाइन देखिए आप रखा है डाउन सीलिंग का। और एक वर्क स्टेशन भी मिलेगा, आप स्टडी टेबल भी कह सकते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं LCD पैनल और साथ में स्टडी टेबल। ये रहेगी हमारी वुडन अलमीरा।
थ्री डोर रहेगी इसके अंदर, काफ़ी अच्छी स्पेस निकली हुई है वुडन अलमीरा के अंदर, फुल हाइट की वुडन अलमीरा ये बनी हुई है। और ये रहेगा इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं और अपनी किचन को देखते हैं। बिल्कुल उसके साथ में ये किचन बनी हुई है, या आप बाहर डिज़ाइन देख सकते हैं कि वुडन का कितना अच्छे पैनल्स लगा रखे हैं किचन के एंट्रेंस पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। और ये रहेगी हमारी किचन, ये डबल डोर फ्रिज आपको इसमें इंस्टॉल मिलेगा, गीजर की फिटिंग मिलेगी और चिमनी और गैस स्टोव लगा हुआ मिलेगा, डबल सिंक इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मॉडल किचन का काम हो रखा है। और ये आप देख सकते हैं कि आपको ओवन और माइक्रोवेव भी पेंट्री के अंदर फिट मिलेगा, क्योंकि वर्लपूल ब्रांड का लगा हुआ है। और ये रहेगी हमारी पेंट्री, काफ़ी अच्छी स्टोरेज हो जाती है सामान की इसके अंदर, पूरा अलमीरा का काम कर जाती है, किचन अलमीरा का काम करती है ये। और ये देख सकते हैं आप स्टोव भी जो लगे हुए हैं वो वर्लपूल के लगे हुए हैं, और चिमनी भी वर्लपूल की ही लगी हुई है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दे रखा है मॉडल किचन में माइका का, डार्क और लाइट ब्राउन। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और ये लेफ्ट हैंड पे हमारा बना हुआ है टॉयलेट बाथरूम, जो कि गेस्ट टॉयलेट बाथरूम रहेगा, गेस्ट रूम के साथ अटैच रहेगा। बिल्कुल इसके साथ में ये हमारा है थर्ड बेडरूम, थर्ड बेडरूम में हमारे को अटैच बालकनी और अटैच टॉयलेट बाथरूम और ड्रेसिंग एरिया मिलता है, और एक ये डबल बेड बना हुआ मिलता है और एक एलसीडी पैनल लगा हुआ मिलेगा। साथ में इस रूम में हमारे को एसी भी लगा हुआ मिलेगा, ये आप सामने देख सकते हैं एसी की फिटिंग, और ये रहेगा एलसीडी पैनल। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने अटैच टॉयलेट बाथरूम की तरफ, उससे पहले हमारा जो एंट्रेंस में रहेगा ड्रेसिंग एरिया, जिसमें हमारे को वुडन अलमीरा और एक मिरर लगा हुआ मिलेगा। ये रहेगी वुडन की अलमीरा, डबल डोर वुडन अलमीरा रहेगी, अच्छी स्पेस निकली हुई है वुडन अलमीरा के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम, बहुत ही अच्छा काम कर रखा है टाइल्स का, ये आप देख सकते हैं उभरी हुई हैं ये टाइल्स, तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये टाइल्स। जो विंडो रहेगी वो शाफ्ट से कनेक्ट रहेगी, तो कुछ इस तरह से ये टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। और निकलते ही राइट साइड से भी देख सकते हैं आप मिरर लगा हुआ है, मिरर के साथ में भी कुछ ड्रॉर्स दे रखे हैं जिसमें आप सामान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब चलते हैं हम अपने बालकनी एरिया की तरफ, ये रहेगी हमारा बालकनी का एरिया, काफ़ी बड़ी बालकनी दे रखी है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि पार्क है, सो पार्क फेसिंग ये बिल्डर फ्लोर है, और नीचे आप देख सकते हैं रोड पे भी काफ़ी जगह अवेलेबल है, आप गाड़ी ईजिली पार्क के साथ में भी खड़ी कर सकते हैं, स्टिल पार्किंग तो आपको मिल ही रही है, पार्क के साथ में भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा फोर्थ बेडरूम, इस बेडरूम में भी हमारे को वुडन अलमीरा मिलती है, वुडन एलसीडी पैनल मिलता है, और देखिए डाउन सीलिंग का डिज़ाइन। और ये मिलता है हमारे को एक डबल बेड बना हुआ, एसी की फिटिंग भी इस रूम में मिल जाएगी, एसी लगा हुआ मिलेगा, सामने रहेगी वुडन अलमीरा और ये रहेगा डबल बेड, और ये रहेगा हमारा एलसीडी पैनल। अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा इस रूम के अंदर भी, और ये देख सकते हैं हम अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस,
गीजर की फिटिंग भी सभी टॉयलेट बाथरूम्स में हमारे को मिल रही है। सो आइए एक बार देखते हैं कि अलमीरा में कितनी स्पेस है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, अलमीरा में भी काफ़ी अच्छी स्पेस निकली हुई है, काफ़ी बढ़िया स्पेस अलमीरा में निकली हुई है। और ये रूम भी जो है हमारा सामने आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है। और ये जो रूम है हमारा ये भी बालकनी से कनेक्ट रहेगा, थर्ड और फोर्थ रूम का कॉमन रहेगी बालकनी, दोनों के साथ कनेक्ट है बालकनी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा बना हुआ है 4 BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि रोहिणी सेक्टर 26 में बना हुआ है। फ्रेंड्स ये जो बिल्डर फ्लोर अभी हमने देखा डीडे के 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ 4 BHK बिल्डर फ्लोर है जो कि रोहिणी सेक्टर 26 में बना हुआ है। पार्क फेसिंग ये बिल्डर फ्लोर रहेगा विद लिफ्ट और पार्किंग हमारे को मिलेगा। इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 2,75,00,000 रुपये है जिसमें हमारे को सेकेंड फ्लोर की यूनिट मिल जाएगी। इसमें हमारे पास टॉप फ्लोर विद रूफ राइट भी अवेलेबल है, जो आस्किंग प्राइस है वो 3,30,00,000 रुपये है। अगर इस बिल्डर फ्लोर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आप इस बिल्डर फ्लोर पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में सेक्टर 21 से लेकर 26 तक हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK सभी साइज अवेलेबल हैं। संडे को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे है, तो अगर आप 15 अगस्त वाले दिन हमारे पास विजिट करते हैं और अपने किसी प्रॉपर्टी की बुकिंग करते हैं तो उस दिन आपको किसी तरह की कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट देनी पड़ेगी, बस आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करनी है, किसी तरह की ब्रोकरेज नहीं पे करनी। ऑफर जो अवेलेबल है सिर्फ 15 अगस्त वाले दिन ही अवेलेबल है। अगर आप इन सेक्टर्स में कोई भी प्रॉपर्टी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 15 अगस्त वाले दिन अगर उसको फाइनलाइज करते हैं, टोकन मनी या बयाना अमाउंट करते हैं, तो आपको किसी तरह की ब्रोकरेज अमाउंट नहीं देना। सो फ्रेंड्स अगर कोई क्वेरी है या आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल पर हम दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।